नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी 9वीं कक्षा का नए पाठ का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता के कवि है अरुण कमल। बच्चों, अरुण कमल जी ने यहाँ पर हमारे समाज में जो श्रमिक वर्ग हैं उनकी जो सामाजिक अविषमता है, श्रमिक वर्ग की सामाजिक विषमताओं के बारे में इस कविता में हमें कुछ दर्शाया गया है, उनके जीवन के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में। बच्चों, यह श्रमिक वर्ग अपने सुख सुविधाओं से दूर रहकर किस तरह से लोगों के जीवन में खुशबू फैलाने का प्रयास करते रहते हैं, इसी बात का वर्णन यहाँ पर कवि ने हमें दिया हुआ है। कवि यह भी बताते हैं कि ये जो गंदी बस्ती में रहन खुद ये श्रमिक वर्ग गंदी बस्ती में रहता है, उस वहाँ पर स्वच्छता और स्वास्थ्य की तो बहुत कमी होती है, उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ऐसे बुरी हालत में रहकर भी यह लोग किस तरह से लोगों को खुशबूदार अगरबत्तियाँ देते हैं। बच्चों, यहाँ पर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने वाले श्रमिक वर्ग के बारे में कवि ने यहाँ पर उनके जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है, लेकिन इस एक श्रमिक वर्ग से बाकी के भी इस तरह के जो श्रमिक वर्ग हैं उनके बारे में भी यहाँ पर कवि यही समझाना चाहते हैं कि किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, समाज के कर्तव्य क्या है। इन कर्तव्यों को हम इस कविता को पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। बच्चों, यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें ये भी बताया गया है कि इन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई की भी सुख सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है और इसी कारण ये लोग आर्थिक विषमता के भी बलि बन गए हैं। इनकी जो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए ये लोग अपने घर में, अपने बस्तियों में बूढ़े छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी हाथ किस तरह से इन कामों में जुट जाते हैं, इसी का चित्रण यहाँ पर कविता में कवि ने किया हुआ है। तो चलो बच्चों, हम इस कविता को पढ़कर देखते हैं कि अरुण कमल जी ने इस खुशबूदार अगरबत्तियाँ देने वाले हाथों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें किस तरह से परिचित किया हुआ है। तो पढ़ते हैं इस कविता की पहली पंक्तियों को, काव्यांश को। कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें इन काव्यांश और इन पंक्तियों से यही समझाना चाहते हैं कि किस तरह से इन खुशबूदार अगरबत्ती देने वाले हाथ जो है, ये श्रमिक वर्ग हैं, वो कहाँ पर रहता है, वो इन्हीं का वर्णन उन्होंने किया है। तो उनकी बस्ती किस तरह की है, तो कई गलियों के बीच इन लोगों को अपने बस्ती में जाने के लिए क्या कर जीवन का, इन मजदूरों के जीवन का भावपूर्ण चित्रण करते हुए वे कहते हैं कि हमारे समाज के ये जो श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, ये मजदूर वर्ग स्वयं बदबूदार इलाके में रहकर किस तरह से लोगों के जीवन में खुशबू फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए कई गलियों को, कई कचरे के ढेरों को पार करके जाना पड़ता है और तब जाकर ऐसे मीन्स नाक फट जाएगी, इसी बदबूदार गंदगी वहाँ पर फैली होती है और फिर भी ये लोग ऐसे ही बस्ती में से रहकर एक खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाते रहते हैं। यही यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कूड़े करकट के ढेरों के बाद, देखो उनका घर, उनकी बस्ती कैसे आती है, गंदी नालियां हैं भरी हुई, कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है और उस सब को पार करने के बाद बदबू के मारे
उनके नाक फट जाते हैं, फटने की बारी आ जाते हैं, वे अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे सहन करते हुए वो लोग संसार के श्रमिक, संसार के जो बाकी के जो लोग हैं, उन लोगों को खुशबूदार अगरबत्तियाँ देने का प्रयास करते रहते हैं। यही यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भले ही कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, वातावरण हो, रहने की उनकी बस्ती भी एकदम विपरीत तरीके की होती है, जो अमीर वर्ग हैं उन अमीर वर्ग से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति इन लोगों के होती है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे ही परिस्थिति का सामना करते हुए अगर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने का निरंतर काम करते रहते हैं, उनके हाथ कभी रुकते नहीं हैं। यही इन पहले काव्यांश में कवि हमें बता रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा काव्यांश, उसमें अब आगे जाकर इस मजदूर या श्रमिक वर्ग के बारे में कवि ने क्या कहा है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे फटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखो बच्चों, पहले उनके बस्ती के बारे में बताया गया है कि किस माहौल में, किस तरह के वातावरण में ये मजदूर वर्ग, ये श्रमिक वर्ग रहता है। अब इन दूसरे काव्यांश में कवि ने हमें यही बताया है कि ये खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इस गंदी बस्ती में रहने वाले जो मजदूर है, इन मजदूरों के किस कौन कौन से हाथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखो, पहले ही उन्होंने कहा है कि उभरे नसों वाले हाथ, ये उभरे नसों वाले हाथ यानि बूढ़े व्यक्तियों के हाथ है, यानि उनके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों के हाथ भी यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं अगरबत्तियाँ बनाने के लिए। घिसे नाखूनों वाले हाथ, हर दम हर प्रकार का काम कर कर के इन कुछ लोगों के नाखून भी काम के मारे घिस चुके हैं, लेकिन ऐसे भी घिसे हुए नाखूनों वाले हाथ भी उस बस्ती के, इस अगरबत्ती के लिए बनाने के लिए तैयार है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, अब देखो, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ यानी घर के छोटे छोटे बच्चों के हाथ, यानी घर के छोटे बच्चे भी इस अगरबत्ती के बनाने के लिए जुड़ गए हैं, ये लोग जुड़ गए हैं। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, यानी वही छोटे से बच्चे जिनकी उम्र भी खेलने की है, मौज मस्ती करने की है, लेकिन वो भी हाथ इस अगरबत्ती को बनाने के लिए जुटे हुए हैं। क्यों जुटे हुए, इसकी परिस्थिति तो आप समझते ही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन बस्तियों में शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, स्वच्छता की सुविधाएं नहीं हैं, तो ये बच्चे अपने आर्थिक विषमता के कारण इन बच्चों को अपने घर में, आर्थिक विषमता खराब होने के कारण इन बच्चों को, इन इस बस्ती के लोगों को अपने घर के इस सब प्रकार के हाथ, यानी अपने घर के बूढ़े हो, छोटे बच्चे हो, जवान हो, युवा हो या नाखून, हर बाहर की जगह पर काम कर करके हाथ जख्मी हुए हैं, नाखून घिस गए हुए हैं, ऐसे भी हाथ इन कामों में जुड़ जाते हैं, ताकि उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्तियाँ बनेगी और उन लोगों को थोड़ा सा पैसा अधिक मिल जाएगा। इस कारणवश यहाँ पर इस बस्ती में, गंदगी भरे बस्ती में, ये मजदूर वर्ग के सभी हाथ जो हैं, यानि सभी प्रकार के जो घर में लोग हैं, छोटे से लेकर, बूढ़ों से लेकर, युवाओं तक, सब काम के लिए जुट जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर केवल अगरबत्ती के बारे में बताया गया है, लेकिन आप लोग देखते हैं कि रास्ते पर हम देखते हैं कि कहीं जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बंदी जाती है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो मजदूर जुटे हुए रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, कैसे वो उसी उनकी तरह ही उस काम में भी लगे हुए रहते हैं, ऐसे ही खुले माहौल में, धूप में,
बारिश में और ठंड में भी वो उसी तरह से खुले वातावरण में रहते हैं, घूमते हैं, वहीं पर खाते हैं, रास्ते पर बैठकर वहीं पर किसी पेड़ के छाव के नीचे उन बच्चों को सुलाते हैं, वहीं से बच्चे उठकर फिर से अपने माता पिता के लिए छोटा मोटा सा हाथ बटाने के लिए काम पर लग जाते हैं। और ये भी देखते हैं कि रास्ते का जो काम चलता रहता है वहाँ पर भी देखो पत्थर तोड़ते हैं लोग जो है वो, उनके बच्चे भी इसी तरह से, उनके घर कहाँ होते हैं उसी रास्ते के किनारे पर किसी जगह पर एक खुला मैदान हो तो वहीं पर वो अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं और वही जगह पर वो रहते हैं। न पानी की वहाँ पर सुख सोय होती है, सुविधाएं होती है, और ना ही किसी तरह की सुख सुविधाएं उनको मिलती है, ना लाइट होती है, ना बिजली की, वहाँ पर पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ पर रहकर अपने काम काज को करते रहते हैं। ये किस लिए? ताकि जो बाकी के लोग हैं जो वहाँ पर जाने आने वाले, उन सर्व सामान्य बाकी के लोगों को, संसार के बाकी के लोगों को वो सारी सुख सुविधाएँ मिले, इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर मेहनत करते रहते हैं, जुटते रहते हैं। लेकिन ऐसे अपने खराब परिस्थिति में भी वो लोग खुश होते हैं, आनंदित रहते हैं, और सबसे अधिक यह बात है कि वो संतुष्ट होते हैं। वो कभी लालच मन में नहीं लाते हैं, भाई उनके भी तो कोई अपने सपने होते हैं, उन्हें भी तो लगते हैं कि जिस तरह से बाकी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी एक सपना होगा कि अपने बच्चे भी स्कूल जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इन सुख सुविधाएं जो हैं, शिक्षा की भी है, ये सब सुख सुविधाओं से वो क्या रहते हैं, बहुत वंचित है, और इसीलिए इनमें कभी सुधार नहीं होता है, और ये आज यहाँ तो कल वहाँ, इस तरह से उनका कारवां इधर से उधर भटकता रहता है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं, इसीलिए उनका शिक्षा, उनकी जो बच्चों की शिक्षा है वो भी किसी एक जगह पर सही तरीके से पूरी नहीं होती है। तो ये उनके जीवन की अनेक समस्याएं बच्चों, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यही तो हम समझ नहीं पाते हैं, हमें सारी सुख सुविधाएं मिल गई तो हम उसी में इतने खोए रहते हैं कि हम हमारे आसपास में रहने वाले हमारे बाकी के जो इस तरह के श्रमिक वर्ग हैं उनके जीवन को कभी हम देख ही नहीं पाते हैं, उनके समस्याओं को कभी हम जान ही नहीं पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर अरुण कमल जी ने हमें इस कविता द्वारा समझाना चाहते हैं कि किस तरह से ये हाथ खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने के लिए ऐसे उनके छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े से लेकर युवाओं तक के सभी प्रकार के लोग यहाँ पर काम में जुड़ जाते हैं। गंदे फटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखो कई कई जगह पर वो लोग सिर्फ अगरबत्ती नहीं, कभी कभी अपने बस्ती से बाहर जाकर भी मेहनत का काम करते हैं। उस मेहनत का काम करते समय उनके हाथ जख्म से भरे रहते हैं, हाथ फटे रहते हैं, गंदे फटे हाथ, लेकिन फिर भी वो लोग अपने इन मेहनत के लिए वो रुकते नहीं हैं। उन जख्मों को वो प्यार से संभालते नहीं बैठते हैं, उसके ऊपर वो तभी कुछ इलाज करते हैं और तुरंत उसी तरह से उसी हाथ से वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन देखो बच्चों, हम आपके जैसे, हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे हाथों को या कहीं थोड़ा सा भी कुछ लग गया तो हम उसका कितना बड़ा बटंगर बनाते रहते हैं, है ना, तो हम उसे ही पकड़ कर रहते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं उनके बच्चों से लेकर सभी लोग इस तरह के जख्मों से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर इलाज करवाते हैं, उसी कुछ पट्टी वगैरह बांध देते हैं ऐसे ही कपड़े की वगैरह, और अपने काम के लिए फिर से जुट जाते हैं। क्योंकि बच्चों, ये लोग अगर ऐसे जख्मों को पकड़कर बैठेंगे घर में या अपना कामकाज छोड़कर तो बेचारे भूख से मर जाएंगे। पहले से ही उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब होती है, और ये परिस्थिति जो होती है बच्चों, यही मनुष्य को बहुत ताकत देती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है, और यही खास बात यहाँ पर अरुण कमल जी ने हमें बताने का प्रयास किया हुआ है कि मेहनत से कभी न डरो, मेहनत ही हमारी रोजी रोटी है और मेहनत ही हमारी
जो आत्मविश्वास है और मेहनत से ही हम अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकते हैं। इतनी ताकत उस मेहनत में होती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे समस्याओं से डर कर इसी तरह से घर में बैठना नहीं है, बल्कि उसकी तरफ हमें अपने काम के लिए जुट जाना है। जिस तरह से इनके घर के बूढ़े बच्चों से लेकर सब काम के लिए लग जाते हैं, और इस तरह से ये खुशबूदार अगरबत्तियाँ हमें मार्केट में यानी बाज़ार में बिकने के लिए आ जाती है। इसी कविता की अगला काव्यांश है, यही इस गली में बनती है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखो, तो उन्होंने कहा है कि मुल्क की जो मशहूर अगरबत्तियाँ आप लोग अपने लगाते हैं, वो घर में लगाने वाली मुल्क की सबसे मशहूर अगरबत्तियाँ बनने का स्थान क्या है, यही यहाँ पर अरुण कमल जी ने कहा है। अगरबत्ती हम ऐसे पवित्र स्थानों पर लगाते हैं, हमारे भगवान के चरणों में उस वहाँ पर लगाया जाता है, घर में खुशबू फैलाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बढ़िया खुशबू देने वाली जो अगरबत्तियाँ बनती कैसे बस्ती में हैं, तो गंदी ऐसे गंदी भरे बस्तियों में वो बनती है, और इसी मोहल्ले में वो हाथ भी कैसे कैसे उसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी खुशबू हमें दे जाती है। तो यही पर उन्होंने बताया है कि लेते हैं ना हम केवड़ा, अलग अलग जो सुगंध की अगरबत्तियाँ हम लेते हैं, जैसे कि इन्होंने दिया है केवड़ा है, गुलाब है, खस है, रात रानी, अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियाँ भी अब हम मार्केट से लेते हैं, तो अलग अलग फ्रूट्स के भी महक उसमें आ जाती है। ऐसे भी अनेक प्रकार की अगरबत्तियाँ ये लोग बनाते हैं। तो बच्चों, यही बताने का प्रयास यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि अगर ऐसे गंदगी भरे बस्ती में रहकर भी ये इतनी खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं, खुशबूदार अगरबत्ती देते हैं, तो सोचो अगर हम लोगों ने इन लोगों के बस्तियों को अगर सही तरीके से सुधार दिया, वहाँ पर स्वच्छता लेकर आए, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ हमने उन लोगों को दी, तो वो लोग इससे कई बढ़िया खुशबूदार अगरबत्तियाँ हमें बनाकर दे सकते हैं। यही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। जो व्यापारी इन लोगों के बस्तियों से ये अगरबत्तियाँ खरीद कर लाते हैं और बड़े बड़े दुकानों में इसे सारे सुख सुविधाओं के जगह से उसे बेची जाती है, वो लोग भी कभी ये बनने वाले बस्तियों को कभी देख पाते हैं, उनकी परिस्थिति को समझ पाते हैं, कभी सुधारने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आज अगरबत्ती बनाने वाले श्रमिक वर्ग के बारे में बताया है। यही कविता पढ़ाते समय मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि किस तरह से जो मजदूर वर्ग रहता है, जो इमारतें बनाने का काम करते हैं, सड़कों को बनाने का काम करते हैं, पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, इन मजदूरों के बारे में कभी हम सोचते हैं? ये सारे मजदूर जो है वो श्रमिक में ही आ जाते हैं, लेकिन हमने कभी उनके जीवन को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया, उनके दुखों को दूर करने का कभी हमने प्रयास ही नहीं किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ये भी समझाने का प्रयास किया हुआ है इस कविता में, खुशबू रचते हैं हाथ, ये शीर्षक देकर कभी हमें यही समझाना चाहते हैं कि खुशबू रचते हैं हाथ। कविता में कवि ने खुशबू कहा नहीं, बल्कि खुशबू के पीछे छुपे हुए बदबूदार सच को उजागर किया हुआ है। खुशबू रचने वाले हाथ नाक फटने वाली बदबू भरे इलाके में रहते हैं। बदबू केवल वातावरण में ही नहीं है, यह लोगों के जीवन में भी भरी हुई है। चारों ओर गंदगी का वातावरण है, वे उन लोगों को एहसास से परे केवल अगरबत्तियाँ बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे गंदी भरी बस्तियों में रहकर भी उन्हें उस बदबूदार गंध का एहसास होता है, उन बस्तियों का गंदगी का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वो व्यस्त रहते हैं ये खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने के लिए। यह कितनी त्रासदायक अवस्था होती है उन लोगों की। खुशबू का व्यापार करने वाले हाथ जो होते हैं वो सुख सुविधाएँ संपन्न होते हैं, जैसे कि व्यापारी,
साफ सुथरे स्वस्थ वातावरण में रहते हैं और बिल्कुल उसके विपरीत अगरबत्ती बनाने वाले की जिंदगी होती है। तो यही यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि बेचने वाले के आसपास का वातावरण कितना स्वच्छ, सुंदर, पवित्र और सुख सुविधाओं से भरा होता है, लेकिन उसे बनाने वाले के इर्द गिर्द यानी आसपास का वातावरण कितने गंदगी से भरा हुआ रहता है, ये कभी हम समझते हैं। हम बस मार्केट यानी बाजार में से जाकर उन अच्छे अच्छे जगह से वो अगरबत्तियाँ लेकर आते हैं। इसी तरह से बच्चों, आज हम हमारे भारत देश के जो किसान हैं, उस किसान भी एक मजदूर है, उस मजदूर के जीवन के बारे में भी आज हम उसी तरह से हमें ये भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करता है, इतने कीचड़ में, इतने धूप में, बारिश हो या ठंडी हो, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन जब तब जाकर जो फसल तैयार होती है, वो अनाज तैयार होता है, लेकिन वो अनाज जहाँ व्यापारी खरीदता है तो उसके दाम और उस किसान को मिले हुए दाम में बहुत फर्क होता है। जो बेचने वाला होता है वो अधिक पैसे कमाकर अमीर बन जाता है, लेकिन जो उगाता है, उसके ऊपर मेहनत करता है दिन रात, उसके हाथ में क्या लगता है। तो यही परिस्थिति है हर प्रकार के मजदूरों को, फिर वो अचार बनाने वाले हो, पापड़ बनाने वाले हो, या इमारतों का काम करने वाले मजदूर हो, रास्ते का काम करने वाले हो, पत्थर तोड़ने वाले हो, या किसान हो, या अगरबत्ती बनाने वाले व्यक्ति हो, ये हर प्रकार के मजदूर या श्रमिक वर्ग की यह परिस्थिति है जो हम कभी महसूस करते नहीं हैं। तो इसी बात को यहाँ पर उन्होंने, अरुण कमल जी ने हमें समझाने का प्रयास किया हुआ है। इस कविता में हमें ये भी सीख मिलती है कि किस तरह से सामाजिक विषमताओं को बेनकाब ये कविता करती है ना, किस तरह से हमारे यहाँ पर सामाजिक विषमता है, ये विषमताओं को बेनकाब करने वाली यह कविता यहाँ पर अरुण कमल जी ने प्रस्तुत की हुई है। जिंदगी को खुशहाल बनाने एवं उसमें सुगंध भरने वाले लोगों की अपनी जिंदगी कितनी बदबूदार होती है। जो लोग दूसरों के जीवन में खुशबू, आनंद, सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में कितनी अलग परिस्थिति होती है, ये कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं। उनके बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग या युवक भी उस काम में मग्न हो जाते हैं और बड़े दिल से, आनंद के साथ उसे करते हैं ताकि वो लोगों को खुशियाँ दे सके, खुशबू दे सके। लेकिन उनके सपने, उनके जो अपने भी सपने होते हैं, जैसे हमारे अपने सपने होते हैं, लेकिन उनके सपने तब मर चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कभी पूरे होने वाले ही नहीं, क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति या हमारी जो अब की ये विषमता है ये कभी दूर होगी नहीं, क्योंकि लोग उनकी तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं। कवि का हमें इस कविता से यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज के जिम्मेदार नागरिकों को इन लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। प्रस्तुत कविता के परिश्रम से समाज में मौजूद सुविधाहीन जो श्रमिक है, मजदूर हैं, उनके बारे में श्रमिक वर्ग एवं सुविधा संपन्न जो वर्ग हैं उनके बीच की असमानता को उन्होंने यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है। सामाजिक स्तर पर व्याप्त इस विषमता के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित यानी आप लोगों का या पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुशबू रचने वाले लोगों के जीवन में भी खुशबू फैलाना समाज का अपना एक कर्तव्य है। सचमुच बच्चों, जिस तरह से ये लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी काम होता है, हमारा भी एक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है कि हमें भी उनके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और उनकी ज़िंदगी भी सुधार कर उनके जीवन में भी हमें खुशबू फैलाने का काम करना चाहिए। यही संदेश हमारी यह जो खुशबू रचती है हाथ, ये कविता में अरुण कमल जी यहाँ पर देना चाहते हैं। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर है। इस कविता के माध्यम से हमें उन सभी प्रकार के मजदूर और श्रमिकों के जीवन को बहुत नज़दीक से उनकी पहचान यहाँ पर
कविता के द्वारा, माध्यम के द्वारा चित्रित की गई हुई है। बच्चों, ये छोटे सी कविता ने हमें कितनी बड़ी सामाजिक विषमता के पास लेकर गई हुई है, और हमें यही काम करना है कि ना कि इस कविता को पढ़कर, इसे केवल पढ़ने के रूप से उसे पढ़कर और अभ्यास करते हुए परीक्षाओं में सिर्फ उसके आंसर्स लिखने हैं, उसके बारे में कुछ लिखना है, यही न करते हुए हमें इसके बाहर भी जाकर इन लोगों के बस्तियों को सुधारना है, उनकी ज़िंदगी को सुधारना है। जैसे वो लोग हमारे जीवन में खुशबू फैलाने का काम करते हैं, उसी तरह से हम लोगों का भी एक कर्तव्य है कि उन लोगों के जीवन में भी खुशबू फैलाने का काम हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारा कर्तव्य है। इस तरह से हम अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर, एक दूसरे की समस्याओं को अगर हम दूर करेंगे, तो देखो ये संसार कितना सुंदर और खुशबूदार बन जाएगा, और कितना पवित्र स्थान यहाँ पर बन जाएगा, जो हम केवल एक कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग की, वो स्वर्ग साक्षात हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर यही स्वर्ग निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे श्रमिक वर्गों के जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस कविता का सबसे बड़ा संदेश अरुण कमल जी हमें यहाँ पर देना चाहते हैं। ये छोटी सी कविता बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर इस कविता से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आशा करती हूँ कि इस कविता के माध्यम से आप ज़रूर इस सीख को लेकर अपने जीवन में ऐसे श्रमिक लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करोगे। तो यही पर हमारी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।